हक का नाम। बातिल भी आज तक कहता हुआ ये ना मिला कि हम नहीं मरेंगे, वो भी कहता हमें मरना है। मौत एक वाहिद ऐसे हक का नाम है कि जिसका इकरार बातिल भी करता है। तो हर एक को मरना है, तो क्या अच्छा होगा कि हम अली अली करते हुए मरें। ऊंट ऊंट कहता मरा था उठा, तो ऊंट ऊंट कहता हुआ उठा। मेरी तरफ मुतवज्जो
बच्चे रहे सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अजीजो रवायत में तो यहाँ तक मिलता है कि एक एक अदादार को अख्तियार दिया जाएगा कि वो 40-40 लोगों को बख्शवा सकता है। आप अपनी अहमियत भी समझिए, आप अपनी अहमियत भी समझिए। इसीलिए कहते हैं कि हाँ सच्चे अजादार हमें बनना है। अजादारों की बड़ी अहमियत है। और हमारे ये मामूली नहीं है। और ये जो मजलिसों का सिलसिला है ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये तो करबला होने से पहले से है। आदम करबला में आए, ठोकर लगी, पैर के अंगूठे से खून जारी हुआ, का परवरदिगार ये क्या, का ये करबला है, का करना क्या है, का रो, आदम रोए, नू कश्ती बना रहे हैं, नू कश्ती बना रहे, जौजा हंस रही है, जौजा हंस रही, कश्ती नू बना रहे, जौजा हंस रही, पानी है नहीं, दरिया सूख चुके हैं, पता नहीं ये कश्ती कहाँ चलाएंगे, उनका दिमाग चल बसा। लीजिए पता चला नबियों के दिमाग पर कौन हमला करता है। दिमाग चल बसा है, थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाइएगा, थोड़ा साथ रहिए तो इंशाल्लाह आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी। दिमाग चल बसा है, कहां कश्ती चलाएंगे, पानी तो है ही नहीं। अल्लाह की कुदरत को चैलेंज किया, अल्लाह ने कहा ठीक है बनाओ रोटी, जलाओगी आग निकलेगा पानी, उसी तनूर से पानी निकलने लगा, आसमान से पानी, हर तरफ से पानी पानी। अब नबी नूह ने कश्ती बनाई थी ना, लेकिन जो कश्ती थी हुक्म हुआ नूह सिर्फ कश्ती नहीं बनाना है, नजात की कश्ती बनाओ। कहा परवरदिगार तो कश्ती तो बन गई, तैयार हो गई, अब नजात की कश्ती नाम रखने को क्या है, रख देंगे नजात की कश्ती है। कहा ऐसे थोड़ी नाम रखने से कुछ होता है। कहा फिर, कहा नजात की कश्ती बनाओ। कहा कैसे बनेगी, का पंजतन के नाम की 5 कीले लगाओ, पंजतन के नाम की 5 कीले लगाओ। अब मैं आहिस्ता पढ़ के देख रहा हूं कि आप ये ऐसे ही सुनेंगे, पंजतन के नाम की कीले लगाई, अब कश्ती कश्ती नहीं रही, नजात की कश्ती बन गई, पानी हर तरफ से, कश्ती तैरने लगी, मंजिल की तरफ आ रहा, कश्ती तैरने लगी, बीवी और बेटा आने के लिए तैयार ही नहीं है, नहीं आएंगे, आ जाओ मेरे लाल, नहीं आएंगे, आ जाओ, नहीं आएंगे, बचोगे कैसे, ये बड़ा पहाड़ है ये बचा लेगा, बड़ा पहाड़ है, बहुत ऊंचा है, पानी वहां तक थोड़ी पहुंचेगा, ये पहाड़ बचा लेगा। लीजिए पता चल गया, पुराने काफिरों की पुरानी आदत है पहाड़ों को सहारा बनाना, पहाड़ बचा लेगा, पहाड़, देखिए इशारे ही करना मेरा काम है, समझना आप ही का काम है, पहाड़ बचा लेगा, लेकिन पानी बढ़ता चला जा रहा है, ये पहाड़ की तरफ दौड़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है पानी, ये पहाड़ की तरफ दौड़ता, नबी बार बार कह रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहाड़ भी डूब गया, फिर भी कह रहा बचा लेगा। लीजिए सारी बातों को छोड़ते हुए पानी आ गया बेटे के गले तक, अभी तक नूह कह रहे थे बेटा आ जाओ बेटा आ जाओ बेटा आ जाओ, अब बेटे से नहीं कहा का परवरदिगार ये तो मेरा बेटा है इसे तो छोड़ दे, आवाज आई नहीं, अब ये तुम्हारा बेटा नहीं है, नहीं तो मारे कुरान है ना, अब ये तुम्हारा बेटा नहीं, क्यों कहा, कश्ती नजात का इनकार कर दिया। अरे जब कश्ती नजात का इनकार करने वाला बेटा बेटा नहीं रहता, अल्लाह अकबर, नहीं जुमला पहले याद दिला दूं, अब समझे नबी ने क्यों कहा हमारे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है। अरे जब बेटा बेटा ना रहा तो उम्मती उम्मती का रहेगा, कश्ती का इनकार करके। हाय नबी, कश्ती का इनकार करके बेटा।
यहाँ से एक बार नहीं कहा तुम भी आ जाओ। भाई जैसे बेटा इनका था वो ऐसे सौदा भी तो इन्हीं की है। जहां बेटे से 100 बार कहा था वहीं सौदा से 1 बार कह देते। अब समझना आपका काम है इशारा करना, हमारा काम है बस। बेटे से 100 बार कहा था तो सौदा से 1 ही बार कहते। बेटे से कह रहे थे बेटा आ जाओ बेटा आ जाओ बेटा आ जाओ, 1 ही बार सौदा से कह देते तुम भी आ जाओ कश्ती में। मगर नहीं, सौदा से 1 बार नहीं कहा, बेटे से बार बार कहा। मैं कहूंगा या नबी अल्लाह, बेटे से बार बार कहा, सौदा से क्यों ना कहा? शायद आवाज आए, तुझे पता नहीं है बेटा बहका है, इसने बहकाया है। अल्लाह हू अकबर, पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। बेटा बहका है, इसने बहकाया है। वहीं से हमें सबक मिल गया कि बहकने वाले को तो समझाया जा सकता है मगर बहकाने वाले को नहीं। तो अब ये जो कश्ती बात यहां से शुरू हुई थी, ये बातें सब सुनी हुई हैं आपकी। बात यहां से शुरू हुई थी कि कश्ती तैरते तैरते जब करबला पहुंच गई तो वहां डगमगाने लगी। मैं ये अर्ज कर रहा था ना कि मजलिस पहले से हो रही है। वहां डगमगाने लगी, कहा परवरदिगार ये कश्ती क्यों डगमगा रही है? आवाज आई, नू करबला की जमीन है। कहा तो नजात कैसे मिलेगी? कहा कश्ती वालों को भी मसाइब हुसैन सुनाओ, तुम भी रो, सबको रुलाओ। नजात की कश्ती पर नजात का सामान, कश्ती नजात पा सामान नजात। मजलिस हो गई, नू भी रोए, सबको रुलाया, लेकिन कश्ती फिर भी डगमगाती रही। कहा परवरदिगार अभी कश्ती संभली नहीं। कहा अभी तो तुमने सिर्फ आंसू बहाए। कहा तो तूने ही तो कहा था कि आंसू बहाओ, हमने आंसू बहा दिए। कहा नहीं नहीं, खाली आंसू नहीं बहाना है। कहा फिर? कहा कातिल पर लानत तो करो, यजीद पर लानत तो करो, पहले तो नजात मिलेगी। इसका मतलब यह है कि खाली आंसू नहीं बहाना है, जिस पर आंसू बहाने आ रहे हैं उसके कातिल पर लानत भी करना है। पता नहीं आप आमादा है कि नहीं है। अब सहरा के दो लाल, एक हुसैन एक मोहसिन, मैं दो की बात कर रहा हूं सिर्फ, गौर कीजिएगा। सहरा के दो लाल, एक हुसैन और एक मोहसिन, एक को करबला में मारा गया, एक को मदीने में मारा गया। तो अब दोनों कातिलों पर लाना जरूरी है, दोनों शहजादों के कातिलों पर लाना जरूरी है। अरे जैसे करबला के शिमर पर लाना जरूरी है, वैसे ही मदीने के शिमर पर भी लाना जरूरी है। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, कभी कभी लोगों को थोड़ी ये बातें बुरी लग जाती हैं, मगर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपकी खुशनुदी के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो शहजादी के लिए पढ़ते हैं। वो खुश रहे, दुनिया हमारा क्या करेगी? शहजादी के लिए, शहजादी की खुशनुदी के लिए। और फरमा रहे बीबी जहरा, कुरान में जब आयतें आना शुरू हुई तो जो आयत आई उस पर जब अमल हुआ तब आयत मुकम्मल हुई है ना। यानी नमाज की आयत आई अधूरी है, नमाज जब पढ़ी जाने लगी तो आयत मुकम्मल हो गई। रोजे की आयत आई अधूरी है, रखा गया रोजा तो आयत पूरी। हज की आयत आई अधूरी, हज किया गया आयत हुई पूरी। गौर फरमा रहे, यानी जब तक आयत जो हुक्म लेके आई उस पर अमल नहीं हुआ तो आयत अधूरी है, अमल हो गया तो आयत पूरी है। गौर कीजिएगा, इसलिए कि हुक्म है अमल नहीं है, अमल होगा तो आयत पूरी। मतलब खास दुआएं चाहता हूं। आयत आई नमाज की, नमाज पढ़ी गई आयत मुकम्मल, रोजा रखा गया आयत मुकम्मल, हज किया गया आयत मुकम्मल। यानी आयत जो हुक्म लेके आई है उस पे जब अमल हुआ
तो वो आयत मुकम्मल होगी। नमाज की आयत आई पढ़ी गई, आयत मुकम्मल। रोजे की आयत आई रख लिया गया, आयत मुकम्मल। हज की आयत आई कर लिया गया, आयत मुकम्मल। अब एक आयत आई मुबाहले के मैदान में, वो आयत आई थी झूठों पर लानत करने। मैं थोड़ा मतलब रहिएगा, वो आयत आई झूठों पर लानत करने। तो भाई झूठों ने जैसे ही सच्चों को देखा, कहा हम तो ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ों को इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। तो झूठे तो हट गए पीछे, तो लानत तो हुई नहीं, तो आयत तो अधूरी रह गई। फरिश्ते में इतनी ताकत नहीं है कि वो बगैर अली की इजाजत
हमारा इमाम अली को थोड़ी बनाया, कायनात का इमाम बनाया। तो जैसे अली की इताअत हम पर लाजिम है, वैसे ही फरिश्तों पर भी लाजिम है, फरिश्तों पर भी लाजिम है। दलील दो, दलील दलील है इसकी। एक शख्स हमेशा हज करने आता था और खाली वो काबे का तवाफ नहीं करता था, काबे का तवाफ करके फौरन मदीने आता था। इधर जिस्म का तवाफ करता था, रूह की जियारत करने आता था। काबे का तवाफ करके चौथे इमाम के दरबार में आ जाता था, इमाम की जियारत करता था। और जब भी आता था तो इमाम के लिए वो तोहफे लेके आता था। देखिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, तोहफे लेके आता था इमाम की खिदमत में। तो एक दिन जौजा ने इसकी पूछ लिया कि हर बार तुम जाते हो और इमाम के लिए अपने कुछ ना कुछ लेके जाते हो, लेके जाते हो, क्या कभी तुम्हें कुछ इमाम ने दिया है? तो वो कहता है चुप रहो, इमाम सुन रहे हैं। वो कहता है कि चुप रहो, इमाम सुन रहा है। ज़ादा कहती है इमाम यहाँ कहाँ है, मैं अलग शहर में हूँ, इमाम अलग शहर में कैसे सुनेंगे? कहा तुझे यही तो मारिफत नहीं है, इमाम हर एक की बात सुनते हैं। अब ये तोहफे लेता है, आके काबे की ज़ियारत करता है, इमाम के दरबार में आ जाता है, तोहफे देता है, इमाम कबूल करते हैं, खाना दोनों खाते हैं। जब इमाम खाना खा चुके, ये भी खा चुका, तो इमाम कहते हैं हाथों को बढ़ा, मैं धुलाता हूँ। ये एक मरतबा थरथराने लगा, आवाज दी, मौला ये तो गुस्ताखी होगी कि आप मेरे हाथों को धुलाए, मैं आपके हाथों को धुलाता हूँ। तो इमाम ने कहा ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो मैं हाथों को बढ़ाता हूँ, तू मेरे हाथों पर पानी डाल। देखिये मैं जल्दी जल्दी इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वाकया सुना हुआ है, नतीजे सिर्फ आपके हवाले करना है, गौर कीजिएगा। इमाम के हाथों पर उसने पानी डाला, पानी कासे में गिरा, इमाम ने कहा क्या है? कहा पानी, कहा गौर से देख, कहा मोती, कहा मौला मोती नजर आते, कहा फिर पानी डाल। उसने फिर पानी डाला, कहा क्या है? कहा पानी, कहा गौर से देख, कहा हीरे। फिर पानी डाल, फिर पानी डाला, आवाज दी क्या है? कहा पानी, कहा गौर से देख, कहा जमरूद। पानी डाला, कासा भर गया। इमाम ने गुलाम से कहा कपड़ा लाओ, कपड़ा लेके आया। इमाम ने उस कासे पे कपड़े को डाला, अब लुत्फ उठाना आपका काम है, कासे पे कपड़े को डाला। इमाम ने उठाया और उसके हाथों में दिया, कहा जा अपनी जौजा को दे देना। अल्लाह अल्लाह, अपनी जौजा को जाके दे देना। शर्मिंदा हुआ, सब झुकाए हुए कि जौजा ने पता नहीं क्या कह दिया, इमाम को बुरा तो नहीं लग गया, लेकिन इमाम ने तो उसे खुशी से दिया था तोहफा, गौर कीजिएगा। लेके चल घर आया, दरवाजा खटखटाया, ज़ादा ने दरवाजा खोला, ये क्या है खुद देख लो। अब जो कपड़ा हटाया, जमरूद हीरे मोती, किसने दिया? का जिसके लिए तुम कह रही थी कभी कुछ नहीं देता, इमाम ने दिया है। अल्लाहु अकबर, ऐसा सखी, उसने तो एक बार में इतना दे दिया कि हम जिंदगी भर सब कुछ देते रहे, फिर भी ये कर्ज ना उतर पाएगा। मैं भी चलूंगी, देखूंगी तुम्हारा इमाम कैसा है, तैयार हूं। चलो चलते हैं। काबे की जियारत की, सरहदे मदीना पे आके ठहर गए, रुक गए, खैमा लगाया, वहीं पर ठहर गए। मैं आपको याद है ना बात कहां से शुरू हुई थी, इमामत का अख्तियार फरिश्तों पर है, गौर कीजिएगा। अब सिर्फ एक जुमले के लिए सुना रहा हूं, साहिबान इरफान मेरे सामने तशरीफ फरमा, एक जुमले के लिए, अगर वह जुमला जाय हो गया तो उम्मीदें टूट जाएंगी। जुमला हवाले करूंगा आपके, गौर कीजिएगा, और कोई खिताबत का जुमला नहीं है, जो किताब में लिखा है वैसे ही सुनाई दे रहा। एक मरतबा वो इमाम के पास इस इरादे से मियां बीवी आगे बढ़े, सरहद पे मदीने के आके खैमा लगाया, वहीं रुक गए कि सुबह होगी तो हम डायरेक्ट इमाम के दरबार में जाएंगे। अब जब खैमा लगाया वहीं रुके, तो रात में इसकी जौजा मर गई, इंतकाल, पहली बार ज्यारत को आ रही थी, इंतकाल। अब ये परेशान हो गया कि हम अलग शहर में, कैसे दफनाएं, कैसे कफनाएं, क्या करें। दौड़ा हुआ इमाम के पास आया, आन के आवाज देता है, मौला जौजा आपकी ज्यारत को आ रही थी मर गई है, सौदा आपकी जियारत को आ रही थी मर गई है। इमाम ने कहा ठहर जाओ थोड़ी देर। इमाम ने कहा ठहर जाओ, मुसल्ला बिछाया, इमाम ने दो रकअत नमाज पढ़ी और न जाने क्या कहा, आवाज दी जा दर खैमा पर, तेरी सौदा इंतजार कर रही है। अल्लाह हू अकबर,
तेरी ज्यादा इंतजार कर रही है। मैं कहूंगा या मौला, ए मेरे आका, आपके दादा अली भी मुर्दों को जिंदा करते थे, आपने भी इसे जिंदा किया। आपके दादा ठोकर मार के जिंदा करते थे, आपने ठोकर मार के क्यों ना जिंदा किया। आपने नमाज पढ़ी उसके बाद जिंदा किया। आवाज दी, मैं दुनिया को सबक सिखा रहा हूँ, दर्स दे रहा हूँ कि देखो अली ने, जब पहले अली ने ठोकर मार के मुर्दा जिंदा किया तो कुछ लोगों ने अली को वो कहा। गौर कीजिएगा, नुसैरी बन गए, लिहाजा मैंने नमाज पढ़ के मुर्दा जिंदा करके सबक दिया कि अख्तियार तो सब उसके वाले हैं, मगर खुदा न कहना अख्तियार तो उसी के है, सब उसके अख्तियार है। गौर कीजिएगा बहुत जल्दी जल्दी। तो एक मर्तबा वो कहता है मौला जिंदा हो गई, कहां जाओ देखो। अब वो आया दौड़ा हुआ, देखा दर खैमा पर जौजा बैठी हुई। एक जुमला बस है इसमें और उसी बात को लुत्फ उठाना है। आया देखा जौजा बैठी हुई, कहा तुम तो मर गई थी, जिंदा कैसे हुई। तो औरत कहती है कि मेरी रूह निकाल के मलकुल मौत चला, आसमानों की मंजिलें तय कर रहा था कि मैंने देखा एक जवान आया, पहली मरतबा आ रही थी ना इमाम की ज्यारत को, कभी देखा नहीं था। मैंने देखा कि एक जवान आया और उसने मलकुल मौत से कहा कि ऐ मलकुल मौत, ये बता कि मैं तुम्हारा इमाम हूं या नहीं। आवाज दी कि हाँ मेरे भी इमाम है। कहा तो मैं हुक्म देता हूं इसको रूह फौरन ले जाके वापस कर दो। मलकुल मौत उल्टे पांव वहीं से आया और हमारी रूह को जिसमें वापस किया, मैं जिंदा हो गई हूं। कहा अच्छा चलो, कुछ समझ में नहीं आया। कहा चलो, दोनों चल दिए। जैसे ही दरबारे इमामत में आए, चौथे इमाम बिला तस्बीह, चौथे इमाम वहां बैठे हैं, यहाँ दरवाजा है। जैसे ही ये खातून दरबारे इमामत में आई, इमाम पर नजर पड़ी, शौहर का हाथ पकड़ के कहती है सुनो। कहा क्या हुआ। कहा यही तो वह जवान है। शान है ना, बताया जा रहा है।
شدید آندھی چلی کہ صبح ہونے سے پہلے ہی اخبار الہی سب کے یہاں پہنچ گئے۔ کہ جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرنا تو
इंशाअल्लाह जरूर कहना, ये ना कहना कि हम ये करेंगे। सूरह कहफ की गालिबन आयत, गौर कीजिए, नबी से अल्लाह कह रहा, ये ना कहना कि मैं ये कर लूंगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन नबी जब 39 दिन गुजर गए और 40वां दिन आने वाला है, तो नबी ये नहीं कह रहे कि इंशाअल्लाह मैं कल उसे आलम दूंगा। जब मर्द होगा जनरल होगा, नहीं नहीं कहा, कल मैं इंशाअल्लाह नहीं कहा, कल मैं आलम उसे दूंगा। तो भाई अल्लाह तो कह रहा है, कुरान है ना ये, तो अल्लाह तो कह रहा है इंशाअल्लाह कहो, तो नबी क्या माजअल्लाह इताअत नहीं कर रहे? कहा भाई वो तो खुद इताअत करवाने आए हैं, तो उनसे बड़ा मुती कौन होगा? तभी नबी ने इंशाअल्लाह तो कहा नहीं, इशारा कर दूंगा, नबी ने तो कहा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो कहा जाए कल मैं उसे आलम दूंगा, जो मर्द होगा जन्नार होगा गैर फरार होगा, तो अल्लाह नबी की जबान में बोल रहा है कि नबी कल तक तुमने आलम दिया, कल मैं आलम दूंगा। मुबारकबाद दी गई, मुबारकबाद दी का जब सिलसिला खत्म हुआ, तो एक मतलब सलमान के बाजू को अली पकड़ते हैं और कुछ दूर ले जाते हैं।
जन्नत का दामन थामे ही हुए हैं तो जन्नत लेकर क्या करेंगे? कहा सलमान भी क्या मांगते हो? कहा यार ये कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरी तो, इसलिए कि अगर कोई बड़ी चीज मांगते तो लोग कहेंगे ये देखो गुलाम होके इतनी बड़ी चीज, अगर कोई छोटी चीज मांगेंगे तो लोग कहेंगे इतने बड़े शहंशाह से इतनी छोटी चीज। अब तो मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ हूं, करूं क्या? बड़ी चीज मांगू तो मेरे खिलाफ, छोटी चीज मांगू तो शहंशाह के खिलाफ, अब मांगू तो क्या मांगू? मौला मुस्कुराए, आवाज दी, क्या मैं बताऊं क्या मांगू? आवाज दी, आली आपने तो हर जगह मदद की है मेरी, यहाँ भी मदद फरमाइए, मांग बताइए क्या मांगना। कहा नबी की बारगाह में जाना, जानवे अदब तय करना और कहना या नबी अल्लाह वादा याद दिलाने आया हूँ। नबी कहेंगे वादा याद है, मांगो सलमान, क्या मांगते हो? तो तुम फौरन कह देना या नबी अल्लाह आप जो शबे मेराज अल्लाह से बातें करने गए उनमें जो 18,000 राज की बातें अली के लिए की थी उनमें से एक राज बता दीजिए। अब जो जो वो राज सुनना चाहता है वो दोनों हाथों को बुलंद करके बोले नारा हाय अली। अली का दहन में चर्चा बहुत है, अली का दहन में चर्चा बहुत है, मुसलमान आज भी बहरा बहुत है। अली का दहन में चर्चा बहुत है, मुसलमान आज भी बहरा बहुत है, मगर होती है जब जन्नत की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है।
मतलब ये है ना कि बाज़ाहिर जो इंसान थे उनमें बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं थी, तभी तो ऐसी जगह पे अली ने खुतबा जाके दिया कि जहाँ कोई नजर नहीं आता था मगर सब सुन रहे थे। नजर नहीं आ रहे मगर सब सुन रहे हैं, गौर कीजिएगा। अब मौला खुतबा दे रहे हैं, मैं खुतबा नहीं अर्ज करूंगा वरना उसकी तशरीह जरूरी होगी और वो एक मजलिस में नहीं हो सकता। अब मेरा मौला खुतबा दे रहा है, खुतबे के आखिर में सलमान सुतून के पीछे, खुतबे के आखिर में मेरा मौला आवाज देता है, ए ज़मीन और आसमान वालों, ए मग़रिब और मशरिक वालों, ए जनूब और शुमाल वालों, तुमने मेरी बात को सुना? हर तरफ से आवाज आई, आका सुन लिया, आका सुन लिया, आका सुन लिया। तो फिर एक मरतबा मेरा मौला कहता है, ए ज़मीन और आसमान वालों, ए मग़रिब और मशरिक वालों, ए जनूब और शुमाल वालों, जब तुम हमसे इतनी दूर होकर हमारी बात सुन रहे हो तो क्या सुतून के पीछे छुपा हुआ सलमान नहीं सुन रहा है? Oh,
رسول پہ آئی، قبل رسول، علی کو نہیں، علی کو نہیں لے کے آئے، حسن اور حسین کو لے کے آئے۔ قبل رسول پہ شہزادی بیٹھی اور بیٹھ کے بڑا درد بھرا جملہ بی بی نے کہا، آواز دی، بابا بابا بابا، آپ کے جانے کے بعد میرے حسنین تو اب ایسے رہتے ہیں کہ جیسے کوئی یتیم رہتے ہیں۔ علی کے ہوتے ہوئے حسنین سے کوئی محبت کا اظہار ہی نہیں کرتا، آپ جب تھے تو لوگ حسنین کو گودیوں میں لیا کرتے تھے، حسنین سے پیار کا اظہار کرتے تھے، لیکن آپ کے جاتے ہی یہ حالت ہو گئی۔ بابا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے کل عرض کیا تھا، اور علی روزانہ اپنے مسائل شہزادی کو سناتے تھے، اپنی مصیبتوں کو، بس وہیں سے آگے بڑھنا ہے، اپنی مصیبتوں کو علی آتے روزانہ شہزادی کو بتاتے تھے، فاطمہ آج کسی نے سلام نہیں کیا، آج مجھے کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا، اللہ اکبر، ادھر دل کھول کے رونا، پتہ نہیں اگلے برس کون زندہ رہے گا کون نہیں، رونا تڑپ تڑپ کے رونا۔ ادھر تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی سے آ کے روزانہ مسائل بی بی کے سامنے علی بیان کیا کرتے تھے، تاریخ کہتی ہے بی بی کے پہلو کا دروازہ گرایا جا چکا ہے، پسلیاں شکستہ ہو چکی ہیں، محسن کی شہادت ہو چکی ہے، ہاتھ زخمی ہو چکا ہے، بی بی ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھنے پا رہی ہے، اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ بی بی ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھنے پا رہی ہے، بی بی ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھنے پا رہی ہے۔ عزیزوں، جب ہماری مائیں ہمیں بچپن میں کہیں چھوڑ کے جانے لگتی ہیں ایک آدھ گھنٹے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، تو آپ جانتے ہیں مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو کھانا کھلا دیتی ہیں، لباس تبدیل کر دیتی ہیں، تاکہ ہمارے آنے تک بچہ روئے نہ، گریا نہ کرے۔ اب سننا آزادارو، شہزادی کا جب وقت آخر قریب آیا تو بی بی نے ایک ایک کو بلایا، آؤ بیٹی زینب قریب آ جاؤ، آؤ بیٹی ام کلثوم تم بھی آ جاؤ، حسن آ جاؤ قریب آ جاؤ، بیٹا حسین تم بھی آ جاؤ۔ سب کو بٹھایا، مجھے نہیں پتا شہزادی نے کیسے اس زخمی ہار سے بچوں کو کھانا کھلایا، بچوں کو کھانا کھلایا، لباس تبدیل کیے، مگر زہرا ہی کے لال ہے نا فوراً سمجھ گئے۔ آواز دی، اما اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز دی، تم کو تو پتا ہے میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں۔ شہزادے رو رہے ہیں، ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے جاؤ میرے لاڈلو مسجد میں چلے جاؤ۔ ادادار تاریخ کہتی شہزادے مسجد میں گئے، لیکن چند لمحوں کے بعد پھر واپس آ گئے۔ اب شہزادی حجرے میں آ گئی، ایک مرتبہ آواز دی، ذرا میری زینب کو بھیج دینا۔ لیجیے زینب آ گئی۔ آواز دی، بیٹی زینب تم سے ایک وصیت ہے، اما بیان کیجیے۔ آواز دی، میری بیٹی جب وقت آخر حسین خیمے میں آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا، جاؤ بیٹی جاؤ میرے لال حسین کو بھیج دینا۔ لیجیے حسین آ گئے۔ آواز دی، اما حکم کیجیے میرے لال جب وقت آخر خیمے میں آنا تو میری طرف سے زینب کے بازوؤں کا بوسا لے لینا، ایک
वसीयत लिखी हुई मिली, एक वसीयत लिखी हुई मिली, लिखी हुई मिली, आवाज आई, उसमें लिखा हुआ था या अली मेरे बाद आने वाले मेरे बेटों को मेरा सलाम कह देना, मेरा सलाम कह देना। अल्लाहु अकबर। लीजिए दादा, तारीख कहती है कि अब एक मरतबा गुस्ल का फन दिया गया, गुस्ल दिया गया, गुस्ल दिया गया दादा। अब अली गुस्ल देने के बाद, कफन देने के बाद बाहर आए, बाहर जाने के बाद जन्नतुल बकी पहुंचे। अली ने रवायतों में मिलता 40 कब्रें बनाई, 40 कब्रें अली ने बनाई। मजमूनी जरा मुलाहजा कीजिए, अली ने 40 कब्रें बनाई, 40 कब्रें। तो 40 कब्रें बना के अली जब वापस आए तो मतलब ज़ैनब तामर से निकल गई, बाबा आप मुझे छोड़ के कहां चले गए थे? आवाज दी बेटी, मां ज़हरा की कब्र बनाने, तुम्हारी मां ज़हरा की कब्र बनाने गए थे। अदादारो, मैं खाक में छुपाने के लिए मैं कब्र तैयार कर रहा था। आवाज दी बाबा, बाबा कब्र बनाने में इतनी लहर बनाने में इतनी देर तो नहीं लगती है? आवाज दी हाँ ज़ैनब, इतनी देर नहीं लगती है। कहा बाबा आपको तो काफी देर लगी, ज़हरा की लहर बनाने में, अम्मा की लहर बनाने में काफी देर लगी। आवाज दी, आवाज दी ज़ैनब, मैंने एक लहर बनाई है। कहा फिर? कहा 40 लहर बनाई है। आवाज दी बाबा लहर तो एक जरूरी थी, ये 40 लहर क्यों बनाई? आवाज दी के पैर ज़ैनब 40 लहर इसलिए बनाई है कि कई जालिमों ने जैसे दरवाजा तोड़ा और जलाया, ज़हरा को तकलीफ दी, अली को खौफ है कहीं ज़हरा के जनाजे से बेहुर्मती ना करे। अल्लाह अल्लाह लीजिए। अब अली घर में आते हैं और आने के बाद एक एक को बुलाते हैं। सुनना आदाबारो, बस एक मिनट मजलिस तमाम। अली एक एक को बुलाते हैं, आओ ज़ैनब माँ से रुख्सत हो लो, माँ से रुख्सत हो लो, अली लहर बनाने गए थे ना, माँ से रुख्सत हो लो। एक एक से कहते माँ से रुख्सत हो लो, रुख्सत हुए सारे बच्चे, रुख्सत हुए। अब अली की निगाहें हुसैन को तलाश करते, मेरा हुसैन अभी तक नहीं आया, मेरा हुसैन नहीं आया, मेरा हुसैन नहीं आया। अदाकार मरतबा क्या देखा, हुजरे के कोने में हुसैन गिरिया कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। अम्मा आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अम्मा मुझे पानी कौन पिलाएगा, अम्मा मुझे पानी कौन पिलाएगा। अदाकार मरतबा तारीख कहती है क्या हुसैन के करीब अली आए, बाजू को पकड़ा, ए मेरे लाल क्या अम्मा से रुख्सत ना होगे, अम्मा की आखिरी जियारत ना करोगे? एक मरतबा हुसैन ये सुनते ही बाबा के साथ चल दिए, लेकिन तारीख कहती है कदमों तक सिर्फ आए हुसैन, माँ के कदमों तक पहुंचे, कदमों पर सर रख के कहते अम्मा अब ये हुसैन यहाँ से उस वक्त तक आगे न बढ़े